चारों धामों में से एक धाम द्वारिका, जो कि भारत में गुजरात द्वारिका शहर का एक वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर इनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए श्री कृष्ण के भक्तों की दृष्टि से यह स्थान महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश में चारों धामों में से एक माना जाता है, और साथ ही यह गोमती द्वारका भी कहलाती है। भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर है। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था और दूसरा नाम अनर्तक था। 5000 साल पहले स्वर्ण द्वारका के रूप में की गई थी। यह नाम इनकी 9 लाख महानुमा संरचनाओं से निकला है, जो चांदी से निर्मित और सोने से सज्जित है। और द्वारिका के बारे में यह भी जाना जाता है कि द्वारिका जल में मग्न हो गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि द्वारिका जल में मग्न हो गया था? तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण 18 साथियों के साथ द्वारिका आए थे, जहां उन्होंने 36 साल तक राज किए थे। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गया और सारे द्वारका वासी भी समुद्र में डूब गए। और कुछ रिसर्चों के द्वारा भी ये पता लगाया गया है कि यहाँ बहुत सी चीजें मिली है। साथ में द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे 2 पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती है। एक घटना गंधार के श्राप से जुड़ी है, जो कि श्री कृष्ण जिस तरह मेरे जो कि गंधार द्वारा दिया गया श्राप है कि श्री कृष्ण जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। और इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कहा था कि गंधार से कि उस अगर आपको आपके मन को शांति मिलता है मेरे वंश को नाश होने से, तो आपका श्राप पूरा होगा। और फिर दूसरा जिम्मेवार माना जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला श्राप था। और साथ ही यहाँ पे बहुत से रिसर्चों द्वारा बहुत सी चीजें मिली है, जैसे 1993 में की खोज से मिट्टी के बर्तन मिली है और 300 साल पुराने हैं। 1983 में फिर से एक खोज हुई है, जहाँ पर एक मंदिर मिला है जो श्री कृष्ण का था। ये फिर कहा जाता है कि यहाँ एक मुद्रा मिली थी जिसमें जानवरों का चित्र छपा था। यह कहा जाता है कि द्वारका जाने के लिए पहले वो मुद्रा का को दिखाना होता था, उसके बाद ही उसे द्वारका के अंदर आने की अनुमति दी जाती थी। साथ में ये कहा गया है कि 2007 की खोज में की गई रिसर्च से कुछ लोहे घंटी और पुराने सामान भी मिले हैं। और साथ ही बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को जॉर्ज स्टेमिन संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और बताया जाता है कि द्वारिका में कैमरा और मोबाइल आदि चीजों के लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। द्वारका पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में देवभूमि द्वारका जिले का एक शहर और नगर पालिका है। यह अरब सागर के सामने कच्छ की खाड़ी के मुहाने में गोमती नदी के दाहिने किनारे पर और खांडमंडल प्रायद्वीपीय से पश्चिम किनारे पर है स्थित। और साथ ही बताया जाता है कि कई वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण के सपने में आए थे और उन्होंने श्री कृष्ण ने उनको बताया कि मूर्ति को कुएं में एक निश्चित समय निकालने का आदेश दिया जाता है। यह सुनते ही ब्राह्मण बेताब हो गया और समय पूर्व मूर्ति निकाल लिया और उस मूर्ति की आंखें बंद मिली। और कहा जाता है कि अभी भी उस मूर्ति में श्री कृष्ण की आंखें बंद मिलती है। यही कारण है कि जब भी देखते हैं मूर्ति को तो पूरा नहीं दिखाई भी देता है अच्छे से, क्योंकि उनकी आंखें अधूरी है। यह शहर चारों धामों में से एक धाम है। यहाँ पर बहुत से द्वार होने के कारण इस जगह का नाम द्वारका पड़ा है। और साथ ही बताया जाता है कि यह कथा अनुसार द्वारका का निर्माण कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था, जो समुद्र में प्राप्त हुआ था। मान्यता यह है कि बार बार
ऋषि दुर्वासा कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी ने से मिले और वे इच्छा जगाते हैं कि श्री कृष्ण और रुक्मणी उन्हें अपने महल में ले जाएं और श्री कृष्ण रुक्मणी ने ऋषि को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। तो आज की वीडियो में मेरा ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ये भी बताएं कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।